गौवंश के अवशेष मिलने से क्षेत्र में तनाव, भारी पुलिस बल मौके पर तैनात। जी हां, क्षेत्र में उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब खबर लगी कि नटेरन थाना क्षेत्र ग्राम रायखेड़ी के समीप कुछ गौवंश के अवशेष मिले हैं। इसकी सूचना पुलिस को मिलते ही नटेरन सहित आसपास का पुलिस बल ग्राम रायखेड़ी में तैनात हो गया। वहीं गौवंश की हत्या एवं गौमांस की तस्करी का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने नारेबाजी शुरू कर दी। ग्रामीणों का आरोप था कि पुलिस द्वारा गौवंश के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार समीप के ग्वालियर टपरों पर कुछ पारदियों ने आग लगा दी, जिससे पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। इस घटना में आग बुझाते हुए कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केएल बंजारे ने बताया कि गौवंश के अवशेष मिलने पर 8 लोगों के ऊपर पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत 409, 429, 11 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके मामले की जांच की जा रही है। इस समय स्थिति पुलिस के कंट्रोल में है। मौके पर पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा सहित जिले के कई आला अधिकारी मौके पर उपस्थित थे। गंज बासोदा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। उसके पास कुछ सुबह के टाइम लगभग 9 बजे कुछ जानवरों के अवशेष मिले थे और इन पे कार्रवाई की मांग को लेकर कुछ ग्रामीणों में आक्रोश था। पुलिस द्वारा अवशेष को सैंपलिंग के लिए ले जाकर और FIR अभी की जा रही है। इसके साथ ही साथ ये सूचना मिली कि रायखेड़ी से लगभग 2 किलोमीटर दूर ग्वालियर टपरा करके स्थान पर वहाँ पर कुछ पारदियों द्वारा आगजनी घटना की गई है। अभी हम देख रहे हैं इस घटना का उस घटना से भी कनेक्शन है कि नहीं। पहली घटना में जो जानवरों के अवशेष संबंधित है, एक व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है। जो और लोग हैं उनकी भी तलाश है। इस घटना में जो आगजनी घटना है, इसमें 5 लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं। हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्द अरेस्टिंग करके पूरे मामले का हम क्लोजर कर देंगे। सर, इस घटनाक्रम में कुछ घायल भी हुए हैं सर? अभी किसी व्यक्ति के घायल होने की सूचना प्रॉपरली तो नहीं आई है और कंफर्म नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं उस तरफ थोड़ा सा टपरों में आग ज़रूर लगी है, लेकिन जनहानि का मतलब कोई अभी सूचना नहीं है। कुछ पुलिस विभाग के जवान हैं घायल? वो आग जलाने, जो आग लगी थी उसको कंट्रोल करने में लिए कुछ पुलिसकर्मियों को माइनर चोटें आई हैं। प्रशासन के लोगों ने हमारा साथ दिया है, तो अन्य को मतलब उनका भी हम देख रहे हैं किस गंभीरता की। वर्तमान में अभी क्या स्थिति सर? अभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूर्ण रूप से सामान्य है। पूरा पुलिस बल भी स्पॉट पर है, प्रशासन के कार्यकर्ता भी यहाँ पर हैं और सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी अप्रिय घटना आगे घटित न होने पाए। थाना क्षेत्र में हमें जानकारी प्राप्त हुई कि ग्वालियर के टपरा में 3 जानवरों के जो सिर हैं वो रखे हुए हैं, तो तत्काल अपने TI साहब मौके पर पहुँचे, अपने SDOP साहब आए, मैं आया, तीनों को हमने बरामद किया। वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई थी और तो हमने अपराध क्रमांक 207 और धारा 4/9 गौवंश अधिनियम 429 और 11 पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत 8 नामजद आरोपी हम उसमें दर्ज किए हैं और उसमें कुछ आरोपी अभी मिल गए हैं। तो इसी दौरान क्या है, हम लोग समझा रहे थे वहाँ पर लोगों को, तो यहाँ पर ग्वालियर के टपरा जो मेन रोड है जहाँ पर हम खड़े हैं, बगल दिखाई दे रहा है, वहाँ पर जो मुस्लिम परिवार है इनके पीछे जो कुछ पारधियों का परिवार है, इनके संबंध में पूर्व में और विवाद हुआ है, तो उस विवाद का फायदा उठाते हुए ये पारधी लोग 4 लोग आए और इनके मकान पर आग लगा दिए। और इसमें मुख्य रूप से हुसैन खान के मकान में आग लगा है और अफदाब और रईस का छोटा छोटा ये दुकान है उसमें आग लगे हुए हैं। हमारे पुलिस कर्मचारी यहाँ पर तैनात थे तो उनके साथ भी बदतमीजी किए हैं, मारपीट किए हैं पारधी लोगों ने। तो सर, इसमें कुछ आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं क्या? हाँ, इसमें पहले वाले में गिरफ्तार हुए हैं और दूसरे में मैं पार्टी भेजा हुआ हूँ। ठीक सर, ये